बोट की तरफ से आने वाला एक नया TWF इन द मार्केट बोट एयरड्रॉप्स 451V2। इसी वीडियो में इसका स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात करूंगा। लॉन्चिंग डेट तो अभी तक इसका रिवील नहीं हुआ है, बट प्राइसिंग मेरे को पता है इसका कितना प्राइसिंग हो सकता है। सब कुछ डिटेल सबको शेयर करूंगा इसी वीडियो में, तो एक भी पार्ट स्किप करोगे तो आपका आपका लॉस हो जाएगा। सो है गाइस, इट्स मी राजदीप, योर वॉच अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिजाइन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका डिजाइन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, एंड कुछ इस प्रकार का डिजाइन पहले भी आ चुका है। तो डिजाइन आपको पता चल चुका है, कुछ पुराने का टाइप का डिजाइन हो जाएगा। पुराने बहुत फेयर एडॉप्स आए, कुछ उस प्रकार के आपको इसका डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो सीधा मूव ऑन करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन के ऊपर। इसका आपको चार कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। एक होते हैं ब्लैक, एक मैट ब्लू टाइप का, एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन कलर नया कलर है, काफी सही लग रहा है वाला कलर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ग्रीन कलर आपको कुछ इस प्रकार का देखने मिल जाएगा। आप लोग देख ही सकते हो जो इस प्रकार का देखने मिल जाएगा, काफी सही लग रहा है। एंड इसका जो केस का डिजाइन वो भी थोड़ा खास लग रहा है मेरे को। तो स्पेसिफिकेशन का अगर मैं बात करूँ, इसका आपको डुअल माइक देखने को मिल जाएगा विद ENX टेक्नोलॉजी। ENX टेक्नोलॉजी मिलता है, काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है। साउंड वगैरह आपको काफी अच्छा क्लियर जाएगा, मतलब जो सुनेगा साउंड उसके पास क्लियर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको इन ईयर डिटेक्शन देखने को मिल जाएगा। मीन्स जब आप ईयरबड्स को लगा लोगे उसके बाद एक डिटेक्शन भी देगा, हाँ ईयरबड्स ठीक से लगा हुआ है या ऐसा टाइप कुछ फीचर देखने को मिल जाएगा। 24 आवर्स के ऊपर टोटल प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, तो साउंड काफ़ी सही होगा इसके अंदर। लंबा टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब साउंड अच्छे होते हुए, मतलब जिसके अंदर अच्छा साउंड होता है उसको हम लगातार यूज़ करते हैं ना, तो आप लगातार यूज़ कर सकते हो। पूरे एक दिन के लिए बैटरी बैकअप आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। एप्स चार्जिंग के सपोर्ट मिलते हैं, 5 मिनट चार्ज करोगे आपको 60 मिनट्स की प्लेबैक टाइमिंग भी मिल जाएगा। काफ़ी फास्ट चार्जिंग के सिस्टम है। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट भी दिखने मिल जाएगा, एंड रेन शील्ड भी दिखने मिल जाता है, मतलब रेन के टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड फिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इसका आपको 10mm की बोट इमर्सिव साउंड दिखने मिल जाएगा। इसका साउंड क्वालिटी वो काफ़ी सही दिखने मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिजोल्यूशन 5 की सपोर्ट दिखने मिल जाएगा, एंड टच कंट्रोल्स तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही। एंड इसको चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी पोर्ट दिखने मिल जाएगा इसको चार्ज करने के लिए। ये तो इसका स्पेसिफिकेशन बोट एयरड्रॉप्स 451V2 जो मैंने आपको शेयर किया। अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग कितना हो सकता है। इसका प्राइसिंग अभी तक किसी भी जगह पर कंफर्म लीक नहीं हुआ है, बट मेरे को जो लगता है अराउंड 2500 के आसपास इसका प्राइसिंग हो सकता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इससे काफ़ी कम भी हो सकता है सेल प्राइसिंग, या फिर जब भी लॉन्च होगा तब तो पता चल जाएगा, बट इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर ही आ सकता है। लॉन्च डेट के बाद और एक वीडियो आ जाएगा मेरे चैनल पे, ना मिस करने के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड इसी वीडियो से आपका कुछ भी हेल्प और नया जानकारी मिला एक लाइक कर देना। मेरे को नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड स्टे सेफ।